आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है ज्ञात करना है। तो चॉकलेट डी को पसंद करने वाला कितना स्टूडेंट है, टोटल का 1/10 भाग यानी 80 का 1/10 भाग काट देंगे आ जाएगा कितना 8। चॉकलेट ई को पसंद करने वाला कितना है, टोटल का 1/20 भाग। तो ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 80 का 1/20 भाग, 20 से भाग दे देंगे 20 चौक 80 4। बोल रहा है डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो डी का ये आ गया, ई का ये आ गया, दोनों का अंतर कितना 4। तुम लोग का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा छात्रों की संख्या का अंतर। हम लोग का अगला प्रश्न है, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होती है। संख्या ज्ञात करना है तो मान लिया, माना मूल संख्या क्या हम लोग का है x, मूल संख्या x है। पर संख्या में क्या बोल रहा है, इसमें 15 जोड़ने पर यानी संख्या में यदि 15 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या यानी बराबर के बाद क्या आएगा, मूल संख्या के व्युत्क्रम यानी मूल संख्या ये इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/8 का 100 गुना। तो संख्या ज्ञात कीजिए यानी x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे x का मान ज्ञात, हम लोग कुछ नहीं करना है, इसको डालेंगे ब्रैकेट में, ये x यहाँ बट्टा में है यानी भाग में, तो दूसरे साइड में आएगा, इसके साथ हो जाएगा इंटू। अब इसको क्या हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक संख्या x है, दूसरा संख्या x प्लस 15 है और दोनों को गुना करने पर कितना आया 100। तो हम लोग को यही ज्ञात करना है कि ये संख्या और ये संख्या क्या होगा, क्योंकि जब दोनों संख्या आ जाएगा तो एक समान भी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे जिसमें दोनों में अंतर कितना हो 15 का। क्यों, क्योंकि यहाँ यदि एक संख्या x है तो दूसरा क्या है 15 ज्यादा है यानी दोनों में अंतर 15 का होना चाहिए। तो 100 का हम लोग उसके लिए एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो 50 दुना 100, 25 दुना 50, 50 25, दो सेटिंग करेंगे और अंतर कितना होना चाहिए 15। तो 2 दुना 4 5 20, एक संख्या 20 हो गया, दूसरा संख्या 5, दोनों का अंतर कितना 15 आया कि नहीं आएगा, दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए 100। तो 100 का तो ही किया गया है तो 100 आना ही है। तो पहला यानी छोटा वाला हो गया हम लोग का ये 5x का मान, और बड़ा वाला x प्लस 15 हो गया 20। अब इससे ये 15 अधिक होना चाहिए, तो 5 में 15 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा ना, यानी कि यहाँ हम लोग का सेटिंग सही आया है। पूछ रहा था x का मान, तो x का मान कौन है ये, तो हम लोग का ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 5 है संख्या। हम लोग का अगला प्रश्न है, रामकृष्ण एक संख्या पी के 3/4 से एक अन्य संख्या क्यू का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में इतना प्राप्त होता है यानी घटाने के बाद इतना आता है। यदि वह पी के 9 गुने से क्यू का 8 गुना घटाता तो रामकृष्ण को उत्तर के रूप में कितना प्राप्त होता, यही ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, जैसे बोल रहा वैसे करेंगे, पी का 3/4 भाग क्यू का 2/3 भाग। तो पी के 3/4 से क्यू का इतना भाग घटाना है, तो इसमें से इसको घटाना है, माइनस हो गया, बराबर कितना प्राप्त होता है 5/8, लिख दिए 5/8। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो नीचे में यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 3, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, 4 से 12 तीन बार में जाएगा यानी कि इसमें 3 से गुना हो जाएगा, 3 3 9, पी को यहाँ लिख लेंगे बाद में, माइनस है तो माइनस लिखेंगे
तीन से बारह चार बार में जाएगा और उस चार से इसमें गुना करेंगे आठ हो जाएगा और क्यू को यहाँ लिख लेंगे, बराबर में जो दिया उसको लिख लेंगे फाइव बाई एट। अब इस ट्वेल्व को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ क्या भाग में, बट्टा का मतलब भाग में, यहाँ से हटेगा तो यहाँ आएगा गुना में, यानी बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो गुना में हो जाता है। ठीक है, काट देंगे, चार दूना आठ, चार तिया बारह, कितना आ जाएगा पांच तिया पंद्रह बटा दो। अब क्या आ गया हम लोग का, नाइन पी माइनस एट क्यू इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू। निकालना क्या था, p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो कितना प्राप्त होगा। मैं देखिए p का 9 गुना, p के साथ 9 है गुना में, तो p का 9 गुना q का 8 गुना, तो p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाया गया, कितना आ गया 15 बटा 2, यही ना हम लोग बोलेंगे। तुम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15 बटा 2। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संख्या का तीन बट्टा पांच भाग दूसरी संख्या के आधे से दस अधिक है, यदि पहली संख्या के तीन बट्टा सात भाग से आठ घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से चार कम होती है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, सबसे पहले पहला संख्या खुद के द्वारा मान लेंगे, लेकिन कैसे मानेंगे, मानने के पहले देखेंगे क्या बोला, पहला संख्या का तीन बटा पांच भाग, यानी पहला संख्या ऐसा होना चाहिए जिसमें पांच से भाग लग जाए, क्योंकि बट्टा में पांच आ रहा है। आगे यहाँ भी दे रहा है पहली संख्या के तीन बटा सात भाग, यानी पहली संख्या का तीन बटा सात भाग यदि निकालने बैठेंगे हम लोग तो सात से भाग देना पड़ेगा, यानी सात से भी भाग जाना चाहिए और पांच से भी भाग उसमें जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पांच और सात का एलसीएम वाला कोई संख्या मानेंगे, तो पांच और सात का एलसीएम कितना आएगा 35। तो मान लिया कि पहला संख्या हम लोग का 35, लेकिन 35 एक्यूरेट नहीं है इसलिए इसको हम लोग एक्स के रूप में लेंगे, ये तो हो गया पहला संख्या। लेकिन दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या के लिए इस कंडीशन को लेके चलेंगे जो बोल रहा था, क्या बोल रहा है, पहली संख्या का तीन बटा पांच भाग यानी 35 हम लोग माने हैं, तो 35 एक्स का तीन बटा पांच भाग दूसरी संख्या के आधे से, दूसरी संख्या का आधा कर दिए आधे से, यानी 35 एक्स का तीन बटा पांच भाग निकाला जाएगा तो दूसरी संख्या के आधे से क्या है 10, ये अधिक है, यानी इसका मान इसके मान से 10 अधिक आएगा। हम लोग यहाँ दिए बराबर, तो बराबर कब होगा, जितना अधिक है उतना इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, अब ये हो गया बराबर। अब काट लेंगे, पांच सात 35, सात या 21 और एक्स यहाँ छिपा हुआ है तो 21 एक्स माइनस में 10, ये हो गया। अब ये हो गया दूसरा संख्या बटा दो, हम लोग को निकालना है सिर्फ दूसरा संख्या, क्या निकालना है सिर्फ दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या के लिए 2 को यहां से हटाएंगे, ये भाग में है तो इसके साथ आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या आ गया 2 इंटू 21 एक्स माइनस 10, हम लोग का पहला दूसरा संख्या आ चुका है। अब इसके अनुसार पहले कंडीशन के अनुसार अब हम लोग दूसरा कंडीशन लेकर चलेंगे, क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या के तीन बटा सात भाग से, यानी पहला संख्या ये है तो 35 एक्स का कितना तीन बटा सात भाग, तीन बटा सात भाग से आठ घटाया जाता है यानी माइनस एट किया जाए तो प्राप्त संख्या यानी बराबर में जो आएगा दूसरी संख्या के आधे से, दूसरा ये है तो 2 इंटू 21 एक्स माइनस 10 बाई 2 आधे से चार कम है, यानी कि इतना को जब हल किया जाएगा तो इस पूरे का आधा जो आएगा उससे क्या होगा, ये चार कम होगा, तो चार कम होगा यहाँ हम लोग क्या दे दिए बराबर, तो दोनों बराबर हो जाए उसके लिए जितना ये कम आ रहा है उतना इसमें हम लोग जोड़ देंगे,
तो बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो 7 5 35, 5 3 15, ये आ गया 15x माइनस कितना 8, और 4 का हम लोग काम करेंगे तो 8 माइनस में और ये प्लस में, और माइनस वाला बड़ा है इसलिए बड़े वाले का साइन हो जाएगा माइनस, और घट करके आ जाएगा कितना -4 बराबर 2 से 2 तो गया 21x माइनस 10। क्या करेंगे, x वाले को x के साइड में और अंक वाले को अंक के साइड में, इस 10 को यहां से हटाएंगे बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 10, ठीक है, और इसको यहां से हटाएंगे बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 15x। दोनों का काम करेंगे यहां तो -4 और 10 दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जुटेगा नहीं क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो घट जाएगा आएगा 6, और साइन किसका होगा जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है 10, यानी प्लस में आएगा, प्लस वाला लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब यहां काम करेंगे तो 21 में से 15 चला जाएगा, 21 x में से 15 x जाएगा, बच जाएगा 6x, 6 से 6 गया तो x का मान कितना आ गया, x का मान 1 क्योंकि यहां कुछ नहीं तो 1, 6 के पारा से एक बार में जाएगा और 6 के पारा से एक बार में, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे x आएगा और यहां 1 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 1 आ गया। बोल क्या रहा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का योग मतलब ये पहला संख्या और दूसरा संख्या का योग कितना होगा, तो पहले योग कितना होगा इसके लिए तो जानना होगा कि संख्या है कितना, तो संख्या कितना है 35 और x का मान कितना आया 1, तो 35 x का मान कितना हो गया 35 प्लस दूसरा संख्या ये, तो 21 में x से गुना करेंगे और x का मान कितना 1, तो हो जाएगा 21, 21 कितना हो जाएगा इसका मान 21 हो जाएगा -10, 21 -10 बराबर कितना हो जाएगा 11, 11 यहाँ, यानी इस पूरे का मान 11 हो गया लेकिन 2 यहाँ है तो 11 दुना 22, यानी कि ये हो गया 22। इस पूरे को हल करेंगे हम लोग x का मान रख करके तो 22 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 2 5 5 2 7 57, तुम लोग का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 57। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45, उनका अंतर 19, संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात करना है, तो मान लिया पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों का योगफल दे रहा है कितना 45, योगफल 45, अंतर कितना 19, तो सबसे पहले योगफल में से अंतर को हम लोग घटा देंगे तो 9 9 6 15 के पास में 1 1 1 2 2 4 26 आ गया। अब इस 26 को, ये था अंतर वाला इसलिए इसको हटा दिए, इस 26 को दोनों में बराबर बराबर बंटवारा कर देना है, तो 2 से भाग देंगे बराबर बराबर, 2 भाग बांटना है तो 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 13, यानी 13 इसको देंगे और 13 इसको दे देंगे। अंतर किससे आ रहा था, अंतर 19 से, यानी इन दोनों में कोई ना कोई संख्या 19 ज्यादा है, तो अभी तो 13 13 बराबर आ गया तो किसी एक को हम लोग बड़ा कर देंगे, तो पहले वाले को ही बड़ा कर देते हैं, यानी पहला वाला 19 बड़ा हो जाएगा, कर दिए बड़ा, 9 3 12 का दुहात में 1 1 1 2 1 3, पहला संख्या इतना और दूसरा संख्या 13, तो हम लोग का पहला संख्या 32 दूसरा संख्या 13 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो गया।